नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संगीता तिवारी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं संगीता तिवारी जी के बारे में। मुंबई से निकलकर बिहार कई सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है, शॉर्ट फिल्म में काम करती हैं और सागर आई हुई हैं। तो हम जानेंगे कि ये सागर क्यों आना हुआ। सबसे पहले तो मैं बहुत स्वागत करता हूँ, आप स्टूडियो में हमारे आए हैं बात करने के लिए, बहुत स्वागत है आपका। सागर टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत दिल से प्रणाम जी। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, आप कई सारी फिल्मों में आपने काम किया है जी, अलग अलग भाषाएं, चाहे हम बात करें तेलुगु कन्नड़, जो भी आपने फिल्में ली हैं। अब आप बुंदेलखंड आए हैं जी सागर, तो सबसे पहले तो हम जानने की आप जानना चाहेंगे आपसे सागर कैसे आना हुआ। मैं बॉम्बे में ही शूट पर थी और मेरी बातचीत हुई इकबाल जी जो राइटर हैं और काफ़ी फिल्में अच्छा उन्होंने किया, बालाजी आर्ट में भी काम कर रहे हैं। उनका फ़ोन आया, उन्होंने वो भी सागर से ही है, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग कुछ ऐसा शॉर्ट फिल्म और वेब सीरीज़ का प्लानिंग करते हैं, क्योंकि मेरा होम प्रोडक्शन भी है साई चलचित्र एंटरटेनमेंट, जिसके तहत मैंने एक भोजपुरी फिल्म बनाई है, रवि किशन और मैं उसमें लीड में हैं और काफ़ी सुपरहिट रही भोजपुरी फिल्म, और उसमें हिंदी फिल्म की भी 2-3 प्लानिंग है। तो इकबाल जी के साथ एक और हिंदी फिल्म कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि जब तक हमारा सब्जेक्ट रेडी नहीं हो जाता है तब तक हम लोग एक वेब सीरीज़ और शॉर्ट फिल्म प्लानिंग कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल मिलते हैं, और सागर के ही प्रदीप पांडे जी हैं और अमित आठिया जी, ये लोग मुझसे मिलने घर पर आए और वहीं पर ये सारा बुनियाद रचा गया और फिर हमने प्लानिंग की और हम लोग सागर आ गए। बिल्कुल, शॉर्ट फिल्म आप बता रहे हैं कि शॉर्ट फिल्म हम बनाने जा रहे हैं, तो क्या लोकेशन पूरी सागर है शॉर्ट फिल्म में? जी हाँ बिल्कुल, अभी कल ही हम लोग पहुँचे हैं मॉर्निंग में और लगभग 40% अभी तक हम लोगों ने लोकेशंस फाइनल कर दिया है, कुछ आज कर लेंगे कुछ कल करेंगे। तो इस तरह से जितनी भी 2 वेब सीरीज़ हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं और एक शॉर्ट फिल्म है जिसकी शूटिंग हम लोग 28 को और 1 मार्च को करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग मिड ऑफ मार्च में आएंगे और वेब सीरीज़ की शूट स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल, तो ये जो आपकी वेब सीरीज़ है और शॉर्ट फिल्म है जी, तो उसमें क्या बाहर के लोग होंगे कि हम लोकल के लोग भी, मतलब सागर के बुंदेलखंड के लोग इसमें देख सकेंगे? जैसे कि मुख्य किरदार जो है इसमें मेन लीड में है एहसान खान, जिनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा एज अ विलन, वो इसमें SP की भूमिका निभा रहे हैं जो पॉजिटिव है, और जो मेन लीड फीमेल कैरेक्टर है वो मैं निभा रही हूँ, और मेरा जो रोल है इसमें लोगों के सामने पॉजिटिव हूँ लेकिन जब उसका एंड होते होते किस तरह से वो नेगेटिव शेड आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कंटेंट बहुत अच्छा है, जैसा कि वेब सीरीज़ में आजकल चल रहा है, तो पूरा मसाला भी है, कंटेंट भी है, थीम अच्छी है, और मुझे लगता है कि इसीलिए मैं इसको करने के लिए मैंने हाँ बोला है कि मुझे दिल से पसंद है। बिल्कुल, लगभग आपने, अगर हम बात करें आपके फिल्मों की, लीड एक्ट्रेस आप रही हैं जी, कई सारी फिल्मों में आपने काम किया, अगर हम तमिल की बात करें, तेलुगु फिल्म की बात करें, तो अलग अलग भाषाओं में भी आपने फिल्में की हैं हाँ। तो अब आप बुंदेलखंड आए, तो बुंदेलखंडी आपने सुनी होगी जी, तो क्या इसमें बुंदेली ही देखने को मिलेगी या नॉर्मल भाषा होगी? बिल्कुल, मैंने अभी तक भोजपुरी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, और मेरा इरादा है कि मैं प्रांत के सभी भाषाओं में काम करूं और एक गिनीज बुक में नाम अपना दर्ज करवाऊं कि मैंने सभी भाषाओं की फिल्में की है। तो ये एक मौका मिला मुझे बुंदेलखंड में आने का और बुंदेली भाषा को इसमें काम करने का, तो मुझे सीखने की चाहत रहती है हमेशा मुझे अच्छा, और ये मिठास है इसमें, भोजपुरी भी मिठास है और इसमें भी थोड़ा मिठास है। मुकेश तिवारी जी ने भी काम किया था वो चाइना गेट फिल्म में, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया, लाइक वो मुझे लगा ये ऐसा क्यों बोले, तब समझ में आया कि ये एक अलग ही मुहावरा है यहाँ के लिए। तो लगभग हम लोग भी जो वेब सीरीज़ कर रहे हैं इसमें मैक्सिमम लैंग्वेज हम बुंदेली ही यूज़ कर रहे हैं, बाकी हिंदी भी है ऑब्वियसली क्योंकि वेब सीरीज़ है, इसको बड़े पैमाने पे हम लोग रिलीज़ करेंगे, नेटफ्लिक्स और बालाजी आर्ट से बातचीत हो रही है, तो जहाँ पे हमको अच्छा स्कोप मिलेगा हम वहाँ पे इनको रिलीज़ करेंगे। तो वेब सीरीज आपकी आ रही, तो वेब सीरीज में कैसा रहेगा, मतलब कितने एपिसोड्स इसमें आप लोग ला रहे हैं? इसमें हम लोग जो हमारी स्टोरी है, लाइक ये तो फिल्म की स्टोरी होती है, इसको हम लोग सीरीज़
चार से छः सीरीज में इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। तो ये बेस्ड किस चीज़ पे, मतलब क्या देखने को मिलेगा इसमें जो आप वेब सीरीज ला रहे हैं? जो आजकल चल रहा है कि चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे कुछ, आम जिंदगी में भी लोग सामने कुछ और प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद में उसकी असलियत जब सामने आती है तो कुछ और होता है। तो इसी तरह का हमारा जो सब्जेक्ट है, इसमें जो मेरा कैरेक्टर है, लोगों के बीच में मैं बहुत ही अच्छी फेमस एक नेता का रोल कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद में जब उसका नेगेटिव शेड्स आता है तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और इसी बीच बहुत ही ड्रामेटिक सिचुएशंस है जो देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब टोटल धमाल, मजा आने वाला है। बिल्कुल टोटल धमाल लेकर ही आ रहे हैं और पूरे जोश के साथ में इसको करने वाले हैं। अच्छा, ये भी आप हम जाने की कोशिश करेंगे, सागर आप आए हैं तो कौन कौन आपके साथ में आया है? हम लोग मुंबई से मोबिन खान, जो हमारे को आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, गणेश आचार्य के साथ में उन्होंने काफ़ी शोज़ वगैरह किया है और फिल्में भी कर रहे हैं, उनका असिस्ट भी कर रहे हैं, प्लस गाड़ा एकेडमी वो ओपन करने जा रहे हैं गोरखपुर में, वो आए हमारे साथ। और इकबाल अहमद जी हैं जो राइटर हैं, और रण विजय सिंह जो हमारे फिल्म के DOP और डायरेक्टर हैं। तो हम लोग चार लोग आए, बाकी टीम हमारी यहाँ से ही है सागर से, जो हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, एक चीज़ और है जो मुख्य रूप से मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी जी पूछिए। लंबे समय से आप काम कर रहे हैं फिल्मों में, सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो बहुत शानदार रहा, कभी खट्टा है कभी मीठा है, लेकिन बहुत अच्छा है। इसी में जीना है, इसी में मरना है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। एक्टिंग और डांस मेरी ज़िंदगी है, बहुत अच्छा है सफ़र। फिर भी आप लगभग, अगर हम बात करें तो लगभग सारे आपने किरदार निभाए होंगे जी, क्योंकि आप लीड एक्ट्रेस हैं तो सारी तरह के आपने किरदार निभाए हैं। बुंदेलखंडी आती होगी आपको कि आप सीख रहे हैं? अभी मैं सीख रही हूँ, मेरे पास स्क्रिप्ट आई है, मैं वो एक एक चीज़ में सीख रही हूँ, क्योंकि किसी भी भाषा में अगर हम फिल्म करते हैं तो उसके लैंग्वेज को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास करके उसका टोन पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो टोन है, मैं देख रही हूँ, सीख रही हूँ, और जब शूट करूँगी तो शायद वो सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी। क्योंकि बुंदेलखंडी जो है बहुत कई जगह बोली जाती है जैसे, तो वो एक अलग तरह से बात होती है। हाँ। तो लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा बुंदेलखंड का है, ये बिल्कुल इस टाइप से, तो वही उसी टोन को मैं पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, और कुछ कुछ डायलॉग्स के साथ में मैं रिहर्सल भी मैंने किया है इकबाल जी के साथ में, तो होप्स हो कि मैं खरी उतरूँ। बिल्कुल, तो ये कब तक शूट रहेगा आपका यहाँ पे सागर में? अभी मैं शॉर्ट फिल्म के लिए 28 और 1 तारीख तक हूँ सागर में, और फिर हम लोग मिड ऑफ मार्च में आएंगे, जो 10 से 12 दिन का शेड्यूल होगा। मार्च में ये पूरा कम्प्लीट हो जाएगा और विद इन 6 मंथ ये रिलीजिंग हो जाएगा डिजिटल मीडिया पे। संगीता तिवारी जी हम चर्चा कर रहे हैं स्टूडियो में, हमारे साथ वो इस वक्त जुड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, और अब सागर वो उनका आना हुआ है, उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है, अलग अलग लोकेशंस इनकी टीम ने देखी है और उस पर अभी काम होना है। सबसे पहले एक शॉर्ट फिल्म आना है, उसके बाद वेब सीरीज पर काम होगा जो कि मार्च में मतलब लगभग शुरू हो जाएगी अगर हम बात करें तो। तो अगर एक और मैं सवाल यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा, मुंबई में मैं जैसा कि मुझे जानकारी है, मुंबई में बेसिक आप मुंबई से हैं, उसके बाद फिर कहाँ से आप यहाँ आए? हाँ, वैसे अगर पूछे कि मैं बेसिकली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से हूँ, नेटिव प्लेस बिहार से है, और अगर पूछे तो मेरा बैकग्राउंड ही फिल्मी है, क्योंकि मेरे पापा सिनेमाटोग्राफर थे, NNCP के प्रोडक्शन में उन्होंने काफ़ी फिल्में की, घर, देवता, गजब, सरगम, फिर वही रात, आया सावन, झूम के, मिस्टर नटवरलाल, बहुत सारी फिल्में की। दुर्भाग्य से मेरे पापा अभी नहीं रहे, बड़े भाई जो हैं वो भी डायरेक्टर हैं, दीपक तिवारी, उन्होंने भी काफ़ी फिल्में बनाई हैं, मराठी फिल्में उन्होंने अवार्ड भी लिया है, 3-4 फिल्में उनकी रिलीज़ है भोजपुरी में, अभी बनारस गया है शूट करने के लिए, तो इस तरह से मेरा माहौल ही फिल्मी है। तो आप कह सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, एक फिल्म से दूसरी फिल्म, दूसरी से तीसरी फिल्म मिलती चली गई, और कह सकते हैं कि कला जो है वो विरासत में मिली है आपको। एक्चुअली जब मैं 9th में थी तब मेरे पापा ने मुझे मेरा एडमिशन मेरे जो डांस को देखते हुए कथक में करवा दिया था, तो धीरे धीरे मैं सीखती चली गई, और 9 साल मैंने कथक में विशारद किया और काफ़ी शोज़ किए। सितारे जी की बेटी जयंती माला जी मेरी गुरु हैं, और उनके साथ में भी काफ़ी रामायण बैले वगैरह किया,
तो कुल मिला के कह सकते हैं कि हमारी हर सांसें फिल्म लाइन में ही है, कला के क्षेत्र में ही है। छोटी बहन है, वो भी स्टेज शोज वगैरह करती रहती है, पूरा माहौल फिल्मी है। बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा गाना आया था, पुराना गाना है, सुना होगा आप लोगों ने भी, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि यहाँ पर ये बात फिट बैठती है। जी बिल्कुल फिट बैठती है, हमारे मेरी खास करके हर सांस फिल्म इंडस्ट्री को समर्पित है। मैं चाहूँगी कि जीना यहाँ मरना यहाँ अगर है तो फिर लास्ट में कैमरा फेस करते हुए निकल लिया जाए। जी, काफ़ी सारी बातें संगीता तिवारी जी से की और अभी हम चर्चा को जारी रखेंगे। आपकी अब तक की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से आज तक मैंने जितने भी फिल्मों में काम किया मेरे लिए कहीं ना कहीं सब अच्छी है। बाकी क्योंकि मैं बहुत चूजी भी हूँ, स्क्रिप्ट देखती हूँ तो बहुत सोच समझ के साइन करती हूँ, कोई भी फिल्म नहीं कर लेती हूँ। तो बहुत यादगार अगर फिल्म है तो वो जो मेरी पहली फिल्म थी भोजपुरी की, ए बलम परदेसी विद रवि किशन, वो काफ़ी मुझे प्रभावित करती है। क्योंकि वो फर्स्ट, आपका कुछ भी काम होता है फर्स्ट वो आपको बहुत एट्रैक्ट करता है। और मनोज तिवारी जी के साथ की थी इंसाफ फिल्म, उसमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और पवन सिंह के साथ में, जो ये सारे स्टार्स हैं भोजपुरी के, इनके साथ में फिल्म की थी रंग बाज राजा, ये भी बहुत अच्छा रहा। और कुल मिला के मैं हर फिल्म के करीब हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई काम लेती हूँ तो बहुत सोच समझ के लेती हूँ। मतलब कहानी में दम होना चाहिए, खास करके अच्छे गाने होने चाहिए, क्योंकि मुझे डांस का बड़ा शौक है, तो मैं गाने वाने सब सुनती हूँ। मेरे ऊपर कितने गाने हैं सबसे पहले यही पूछती हूँ। तो अच्छी फिल्में हैं ये, मेरी सारी फिल्में मुझे अच्छी लगती है। इनफैक्ट मुझे तेलुगु फिल्म भी बहुत अच्छी लगती है जो मैंने की थी पुत्रुडु। अभी तो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपने हर फिल्म के करीब हूँ। आपका कोई ऐसा फेमस डायलॉग जो आपके लिए बहुत पसंद हो, आपने किसी फिल्म में बोला हो और आप हमारे दर्शकों को वो सुनाना चाहें, लेकिन उस मैं ये भी आपसे कहूँगा कि हिंदी में मुझे उसमें बताइएगा। अभी डायलॉग आप बोलोगे तो अभी थोड़ी इतना याद रहता है। हाँ ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो हिंदी में मैं सुनाऊँगी। ए बलम परदेसी का ही है, क्योंकि ये फिल्म फर्स्ट है, इसमें बहुत सारी यादगार चीज़ें जुड़ी है। मैं किसी भी सीन को करती हूँ तो मैं उसी मूड में हो जाती हूँ। मेरा बहुत ही रोने वाला सीन था जब हीरो छोड़ के चला जाता है, और उसको मैं काफ़ी ढूंढती हूँ, क्योंकि मैं मंत्री की लड़की होती हूँ तो वो बोलते हैं कि ये मंत्री की लड़की है, मैं गरीब हूँ, ऐसा है वैसा है, ये नहीं हो सकता। तो उसके बाद जो उनके साथ में जो मेरा मुझे टकराते हैं कहीं रास्ते में, और फिर मेरा जो कॉन्वर्सेशन होता है, पूरा यूनिट एकदम शांत हो गया था, सुन रहा था। और उसके बाद में जो क्लैपिंग हुई थी, फर्स्ट फिल्म में अगर आपको क्लैपिंग मिलती है तो वो छू जाता है दिल को। तो डायलॉग मतलब मैं हिंदी में बोलूँगी, वो भोजपुरी में बोला था कि तुमने क्या समझा था कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? नहीं, अगर मैं बड़े बाप की लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैंने भी तुमसे प्यार किया था, मैं इस प्यार के आगे अपनी ज़िंदगी अपनी जान कुर्बान कर दूंगी, लेकिन तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और बहुत लंबा चौड़ा डायलॉग था, लेकिन अभी मैं इतना ज़्यादा रिकॉलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन इस सीन के बाद में अच्छी क्लैपिंग्स हुई थी, डायरेक्टर ने मुझे अप्रिशिएट किया था, मोहन जी प्रसाद जो यश चोपड़ा टाइप माने जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया, अच्छा लगा था। तो आपकी ख्वाहिश ये नहीं रही कि मुझे अब बॉलीवुड में जाना है? बॉलीवुड तो ऑलरेडी मैं कर रही हूँ, एक फिल्म है तेरे मेरे दरमियाँ, इसमें राजू सुब्रमण्यम डायरेक्टर हैं, और इसको हमने यूरोप में शूट किया है, काफ़ी अच्छे लोकेशंस है, ग्रीस में किया, स्पेन में किया है, 70% कंप्लीट है, 30% है जो इंडोर मुंबई में करना है, वो अभी जल्द पूरा हो जाएगा। और एक फिल्म मैंने बहुत पहले जो आफ्टर ए बलम परदेसी अंकुश फिल्म की थी, जो यही सागर में मैंने किया था, तो उसको भी प्रॉपर रिलीजिंग नहीं मिल पाई थी, तो शायद इसलिए वो रिलीज़ नहीं हुआ। एक फिल्म की थी यारा, जो हमीद अली जिन्होंने मेहंदी फिल्म बनाई थी उनकी फिल्म की थी। और अभी दो फिल्म और पाइपलाइन में है, जो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसको मैं करने वाली हूँ, तो मे बी एक और दो साल में वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। आपके हिसाब से कौन लगता है कि आपका पसंदीदा हीरो कौन है? सलमान खान। सलमान खान जी हैं जी।
तो ख्वाहिश है कभी सलमान खान जी के साथ आप पर्दे पर देखें, बड़े पर्दे पर? बिल्कुल ख्वाहिश है, और थोड़ा थोड़ा रास्ता बनने भी लगा है ऐसा, तो मे बी कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल सलमान खान बॉलीवुड के भाईजान, और जब से उनकी सुल्तान फिल्म आई है, दबंग फिल्म आई है, तो वो उस नाम से भी जाते हैं, दबंग खान, सुल्तान खान। तो अगर सुल्तान खान के साथ फिल्म होती है, भाईजान के साथ अगर आप फिल्म करती हैं, तो कैसा लगेगा फिर आपको कि मैंने सलमान खान? तो मेरा सपना शायद पूरा हो जाएगा कि मैंने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। ये मेरा सपना है सलमान खान के साथ काम करना। मैंने पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, उसमें भी कहा है और आज भी कह रही हूँ, और ये सपना ज़रूर पूरा होगा, ये उम्मीद है। बिल्कुल संगीता तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में बात कर रही थी। सागर उनका आना हुआ है, पूरी एक टीम उनके साथ है, सागर के कई सारे लोग हैं। एक वेब सीरीज यहाँ पर तैयार होना है, हमने जानने की भी कोशिश की। सागर के जो भी एक्ट्रेस हैं यहाँ पर, वो उसमें भी काम कर सकते हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे यहाँ जी पर बिल्कुल वेब का। सीरीज में। और अभी ये जो आप बता रहे थे कि शॉर्ट फिल्म आ रही है, इसमें भी सागर के लोग देखने को मिलेंगे। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और परसों ऑडिशन होना है, जिसमें यहाँ के जो अच्छे कलाकार होंगे उनको बिल्कुल मौका मिलेगा काम करने का, क्योंकि यही प्लानिंग है। इतने सारे लोगों को मुंबई से लाना पॉसिबल नहीं है, तो जितने मैंने सुना है कि यहाँ पे सागर में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, और आज भी एक आर्टिस्ट से मिली हूँ, और कल भी एक मिली थी। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो मेरे फादर का कैरेक्टर करने वाले हैं वो भी फाइनल हो गए, तो मुझे लगता है कि हमको अच्छे कलाकार यहाँ से मिलेंगे। बिल्कुल एक सवाल और मैं यहाँ पे पूछूंगा आपसे। मैं दोबारा आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, बुंदेलखंड आप आए हैं, जी आपने बताया था कि हम पहले भी बुंदेलखंड आ चुके हैं, कैसा लगा माहौल यहाँ का बुंदेलखंड में आके, कैसा मतलब आप फील करते हैं यहाँ आके? जैसे मैं अंकुश फिल्म, अंकुश दी कमांड जो मेरी फिल्म है, उसको नेट पे आप देख सकते हैं, उस फिल्म के लिए यहाँ पर आई थी। तो एक लोकेशन है वाटरफॉल यहाँ पे, हाँ जी उस समय हम जब आए थे तो मेरा जो सॉन्ग था वहाँ पे शूट किया था। तो जब कल हम आ रहे थे, अमित जी ने बोला कि एक वाटरफॉल का लोकेशन है, वो भी देख लीजिए। मैंने मैंने वो उस दिन को याद किया, यस मैंने यहाँ पे गाना किया था, देखते हैं कि ये वही वाटरफॉल तो नहीं है। वो प्लेस का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, बट वो वाटरफॉल के पास हम गए, और फिर मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैंने कहा ओह माय गॉड, मैंने बहुत सारे फोटोज़ वहाँ पे शूट कर लिए, लेकिन पानी नहीं था इस बार। जब राजघाट हमने शूट किया था पूरा पानी, है, वाटरफॉल हाँ 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 है। राजघाट, राजघाट यस। तो मुझे वो पुराने दिन याद आ गए कि अभी 8-10 साल पहले हमने जो फिल्म की थी वहाँ पर, जब मैं वो फिल्म की शूटिंग कर रही थी उस वक्त लंच टाइम था, और मुझे उस वक्त जाना था, 2 बजे मुझे पहुँचना था। मैं पहुँची थी और सुबह 9 बजे से शूट चल रहा था, काफ़ी लोग वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मुकेश तिवारी थे उसमें, मोहन जोशी, गोविंद नामदेव, सारे आर्टिस्ट थे। तो हम लोग शूट कर रहे थे, गाने का शूट चल रहा था, काफ़ी 5-6 हज़ार भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और गाना बज रहा था, थोड़ा सा डांस हो रहा था, कट हो रहा था, फिर कुछ हो रहा था। वहाँ से पब्लिक की आवाज़ आ रही थी, अरे क्यों बार बार काट रहे हो, पूरा गाना बजाओ। मतलब मैं वो आज तक नहीं भूलती हूँ कि मैंने कहा ये लो इनको पूरा गाना देखना है। एक होता है ना, पब्लिक को पता नहीं है कि किस तरह से शूटिंग होता है, बहुत इनोसेंट पब्लिक है यहाँ की, ऑडियंस है जो बहुत इनोसेंट है, और यही अच्छा लगता है। ये अपना एक कल्चर से जुड़ता है। हम कल किसी के घर लंच किए थे, उन लोगों ने इतने प्यार से हमको लंच कराया, वो भी एक अच्छे कलाकार हैं, वो दद्दा जी हैं, जो उनको दद्दा जी बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। इतने प्यार से उन्होंने खाना बनाया, अपने घर में बिठा कर खिलाया, बहुत ही संस्कार और आत्मीयता झलकती है यहाँ पर, अच्छे लोग हैं। बिल्कुल सागर वालों के लिए, बुंदेलखंड वासियों के लिए संगीता तिवारी क्या कहना चाहेंगी, जो कला के क्षेत्र में हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो क्या पैगाम, क्या संदेश है संगीता तिवारी जी का हमारे दर्शकों के लिए? संदेश तो मैं यही कहूँगी, अगर आपके अंदर कलाकार है, उसको जगाने की इच्छा है, तो आजकल इतने सारे सोशल मीडिया है, इतने सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी सुविधा है जो आप अपने कला को जागृत कर सकते हैं, लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज इतना
इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इतने सारे चैनल्स में रियलिटी शोज़ होते हैं, सिंगिंग कंपटीशन होता है, डांस कंपटीशन होता है, तो आप अपने कला को दिखाने के लिए आपके पास में बहुत सारा स्कोप है। बस शर्त है कि वहाँ तक पहुँचना। अगर आप में कला है, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रास्ता मिल जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पर आकर। जी बिल्कुल, हमारी पूरी टीम सागर टीवी न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद, आपकी टीम को हम मुबारकबाद यहाँ पर देंगे। संगीता तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में बात कर रही थी, कई सारी चीज़ों को लेकर हमने उनसे बात की। सागर में जो शॉर्ट फिल्म बननी है उसमें लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाएंगी, खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है संगीता तिवारी जी का, सागर आना हुआ है, इसके पहले भी वो आ चुकी हैं बुंदेलखंड में, एक फिल्म आई थी सागर में ही शूट हुई थी अंकुश, आज से तकरीबन 10 साल पहले। अब दोबारा वो सागर आई हैं, यहाँ पर वेब सीरीज में भी काम होना है, उसके 4 से 6 एपिसोड यहाँ पर रहेंगे और 2 अलग अलग वेब सीरीज़ यहाँ पर तैयार होंगी, सागर में ही उनकी शूटिंग होगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो सागर के कलाकार हैं वो भी इसमें काम करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इस वक्त फ़िलहाल इतना ही, मैं हूँ शाहबाज खान। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, अगर यही वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।